नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीके मोबाइल केयर और मेरा नाम है सीके। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक IQ का फ़ोन है उसका FRP करके बाईपास करके दिखाऊंगा। तो ये एंड्रॉयड वर्जन 13 है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैं कैसे बाईपास कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें कंप्यूटर की भी थोड़ा सा सहायता ली है ताकि आपका टाइम बचे। तो जैसे अभी इस पर जो ब्राउज़र ओपन करना होता है तो वो मैंने अनलॉक टूल द्वारा जो है ब्राउज़र ओपन किया है 1 क्लिक में। तो ये आप देखिएगा कि मैं ब्राउज़र कैसे ओपन कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो अभी मैं यहाँ पे अनलॉक टूल का आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ब्राउज़र ओपन किया है 1 क्लिक में। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करते रहूँ और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए हमारे साथ। तो अभी मैंने यहाँ पर अनलॉक टूल अपना लॉगिन कर लिया है। अनलॉक टू लॉगिन होने के बाद जो आपको उसका जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो ड्राइवर इंस्टॉल करना है। पहले आप वीडियो पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वीवो वाले सेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे जो एक फंक्शन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इंस्टॉल जो है MTP ड्राइवर, ठीक है। यह ड्राइवर इंस्टॉल होते ही जो है यहाँ पर डन दिखाएगा नीचे, और जैसे ही डन दिखाएगा इसके बाद आपको जो है MTP एक्टिव ब्राउज़र पे जो है क्लिक कर देना। ये देखिए, जैसे ही आपने इतना दबाया तो ये आपका जो ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है और ये ब्राउज़र आपके मोबाइल पे ओपन करने के लिए जो है यहाँ से कमांड दे चुका है। और जैसे ही आप अपना मोबाइल स्क्रीन देखेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे, हाँ, ये वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। आपका फ़ोन जो है ना वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए तभी जाके ब्राउज़र ओपन होगा। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ब्राउज़र ओपन हुआ है या नहीं। ये देखिए, अब ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब इसमें मैं व्यूज पे क्लिक करूँगा तो सीधा ये डायरेक्टली यूट्यूब पर लेकर जाएगा मेरे को। अब यहाँ से आपको अलाउ कर देना है और वीडियो को आगे देखते जाइएगा। ये बहुत ही इजी मेथड है। अभी आप इसको ध्यान से और सही तरीके से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। और आप लोगों की एक लाइक से जो है हम लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए लाइक वीडियो को करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।